दयालु आमिर एक विद्रोही कुत्सा रटनकारी के क्षमा कर दें। आमिर आब्दुल्ला तार भाई आल मुंजिर खाल्फ मुहम्मदर पर 888 ख्रीस्टाब्दे आंदालुसर आमिर हन। तिनी सिंहासने बसे अनेक लोक के मुक्त कर दें, विशेषकर राजनैतिक बंदी जन्ने अनेक मेहरबानी करें, तादेर स्थावर सम्पत्ति फेरत दिए दें। शायख सुलाइमान बिन आबागा एक बार आमिर आब्दुल्लार बिरुद्धे विद्रोह करेछिलेन, किन्तु सुलतान तार स्वभावगत दयाबानेर भूमिका पालन करें एवं ताके क्षमा करे दें। 900 ख्रीस्टाब्दे सुलाइमान आमिर आब्दुल्लार अपमान स्वरूप काव्य रचना करें जा राज्येर सर्वस्थाने छड़िये पड़े। सेई सब काव्ये सुलतान के खच्चर और तार मंत्री देर के खच्चरेर राखाल बला हुए छे। एबार देखुन एक न्यायपराय ओ दयालु शासक तार ब्यापारे कि फैसला करें। सुलतान ताके राजदरबारे हाजिर करे बोलें, सुलाइमान आमार दया अनुर्वर जमीने पड़ाते नष्ट हुए गिये छे, आमी ना प्रशंसार योग्य आर ना गालिर योग्य, केनना उभयटी आमार काछे एक रकम। विद्रोह अनेक बड़ अपराध, किन्तु आमी तुम्हाके क्षमा करे दिए छे, तबे এই ক্ষমার কোনো ফল আমি পেলাম না, কিন্তু আমি প্রতিশোধের চেয়ে ক্ষমা করে দেওয়াটা প্রাধান্য দিই। আমার বিরুদ্ধে কাব্যগুলো আমার সামনে পড়ো, আমি তোমার কাছে ওয়াদা করছি আমি তোমাকে এক কাব্যর বদলে 1000 মুদ্রা পুরস্কৃত করব। খচ্চর তো তাও এক কাজের পশু। সুলাইমান আমিরের পায়ে পড়ে গেল এবং অনবরত কেঁদে কেঁদে ক্ষমা চাইতে লাগলো। আমির তাকে ক্ষমা করে দিলেন আর পরবর্তীতে সুলাইমান মৃত্যু পর্যন্ত আমিরের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকলো।